नमस्कार, हम LBS इंटरनेशनल स्कूल भवानी खेड़ा के 10वीं कक्षा के छात्र अपने निर्देशक व हिंदी शिक्षक महोदय विनोद वर्मा के निर्देशन में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का मंचन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपसे आप इसे बहुत पसंद करेंगे। हे प्रभु, क्या इस सभा में ऐसा कोई भी वीर नहीं है जो इस शिव धनुष को उठा सके? मैंने ये स्वयंवर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है? महाराज जनक, आपको क्या लगता है कि इस सभा में कोई भी वीर उपस्थित नहीं है? गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्षण भर में इस धनुष को उठा सकता हूँ। रुको लक्ष्मण, रुको। राम, महाराजा जनक की चिंता दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। अनर्थ, घोर अनर्थ! जिस दुष्ट ने इस शिव धनुष को तोड़ा है, मैं आज उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। क्षमा प्रभु क्षमा, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, न कि शत्रुता का। शत्रु से तो युद्ध के मैदान में युद्ध करना ही बेहतर है। अरे अरे मुनीश्वर, तो इतना आग बबूला हो रहे हैं, ऋषि मुनियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। हमने तो बचपन में ऐसे अनेक धनुया तोड़ी हैं, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं दिखाया। अरे दोस्त, संभाल कर बोल, ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये देवों के देव महादेव का परम पूजनीय धनुष। हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक ही समान है, और इस पुराने से गले सड़े धनुष के टूटने से कौन सा पहाड़ टूट गया, क्या लाभ और क्या हानि हो गई, और इसमें रघुनाथ का क्या दोष, उन्हें तो भूल बस इस धनुष को छुआ ही था और यह टूट गया। आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे दुष्ट, तुम मुझे नहीं जानते, मैंने अनेकों बार क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया, और मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाएं काट दी थी। इतना ही नहीं, इस फरसे के तेज से कोख में पल रहे बच्चे की क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। शांत प्रभु शांत, इस अबोध बालक को क्षमा कर दीजिए। यह नादान है, बहुत छोटा है, इसे संसार और आपके प्रताप के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये क्षमा करने योग्य नहीं है, इसे मैं आज अपने फरसे से मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बार बार आप ये कुल्हाड़ी क्या दिखा रहे, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं कोई काशी फल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाऊंगा। मैं आपको ब्राह्मण समझकर अपना गुस्सा नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण गाय और भक्त पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करना गलत समझा जाता है। ऐसा करने से हमें पाप लगता है, और आपका तो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के बराबर है, फिर क्यों व्यर्थ में आप ये कुठार और धनुष धारण किए हुए हैं? अरे नीकृष्ट पापी, तू संभल कर बोल, मैं जानता हूँ तू किसके वश में बोल रहा है। तुझे यह विदित नहीं है कि तू काल के वश में बोल रहा है और मरने को आतुर है। जो वीर योद्धा होते हैं वो आपकी तरह वीरता की ढींगे नहीं आंकते, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में करते हैं। अरे विश्वामित्र, यह उदंड बालक आज मरने को आतुर है, फिर मुझे दोष मत देना। आपके शील को कौन नहीं जानता, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही गए हैं, अब सिर्फ गुरु का ऋण बाकी है जो बहुत बढ़ गया है। किसी हिसाब किताब करने वालों को बुला लीजिए, तुरंत ही फैसला हो जाएगा। अरे दुष्ट पापी, तूने आज बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, अब मैं तेरा वध कर देता हूँ। क्षमा मुनि श्रेष्ठ क्षमा, इस अबोध बालक को क्षमा कर दीजिए। यह अबोध बालक नादान है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। वैसे भी ऋषि मुनियों को अबोध बालकों के गुण व दोष का बुरा नहीं मानना चाहिए। लगता है आपको अपने जीवन में कोई वीर योद्धा नहीं मिला अपने मुकाबले के लिए। मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपका आदर कर रहा हूँ, लेकिन आप तो हैं कि खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं। अपमान, घोर अपमान, अब मैं और अपमान नहीं सहूंगा, बहुत हो चुका है, अब मैं तेरा वध कर देता हूँ। शांत मुनीश्वर शांत। अरे विश्वामित्र। शांत प्रभु शांत। नमस्कार, आपने अभी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का मंचन देखा। हमें उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। धन्यवाद।